प्रेम सिंह, गांव करोड़ा, जिला कैथल, देखा था नेट पे प्रोग्राम। तो वहाँ पे आपने देख के फिर मेरे पास फोन किया था। हाँ जी, हाँ, ये करीब 160-170 किलोमीटर पड़ता है। लेने तो मेन मेन से पौधे आए थे, लेकिन हो गए ज्यादा। बढ़िया है, मौका दो एक बार। हाँ हाँ, जो देखी थी वो सारी मिल गई, उससे भी ज्यादा मिली है। ना जो नहीं लेनी थी वो भी ले ली वैरायटी देख के। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, जो हमारी नर्सरी है। और आज हमारे पास एक बहुत दूर से डिफरेंट वैरायटियों के जो पौधे लेने के लिए आए हैं, उनसे रूबरू कराएंगे, उनसे जानेंगे कितनी दूर से आए हैं, क्या क्या ले रहे हैं, और उनके संपूर्ण जो राय है और जो उनने देखा उसका हाल चाल उनसे जानेंगे। तो आपका हमारी नर्सरी पे स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हो? प्रेम सिंह, गांव करोड़ा, जिला कैथल। कैथल से आए हो जी। तो इतनी दूर पहुँचे कैसे? सबसे पहले बात यह है कि इतनी दूर का पता कैसे चला हमारी नर्सरी? वो हमने इस पे टीवी उस पे देखे था नेट पे प्रोग्राम। तो वहाँ पे आपने देख के फिर मेरे पास फोन किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर आप यहाँ पे पहुँचे। जी बिल्कुल। तो कितना किलोमीटर रह जाता है मेरे इधर से? ये आपके इधर से? हाँ, आपका गांव है जो। हाँ हाँ, ये करीब 160-170 किलोमीटर पड़ता है। 160-170 किलोमीटर। हाँ, तो आप यहाँ पे आज क्या क्या लेने के लिए आए? लेने तो मेन मेन से पौधे आए थे, लेकिन हो गए ज्यादा, साथ में और भी ले लिए। हाँ, कुछ वैरायटी आप लेने कुछ आए थे, बाद में आपने देख के कुछ और वैरायटी और बढ़ गई। तो वैरायटियाँ मेरे हिसाब से आपने 40-50 वैरायटियाँ हैं जो अलग अलग हम ली हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आके देखा आपने, तो क्या लगा माई नर्सरी, कैसी नर्सरी लगी और कितनी वैरायटियों के पौधे आपको यहाँ देखने को मिले? देखो, सबसे पहली बात तो है, जब ये फल देगा तो तभी महसूस होगा हमें तो, लेकिन लगे ठीक है, फल भी आ रहे हैं बहुत से पौधों को, और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। वैरायटी कितनी? वैरायटी बहुत है, कई प्रकार की वैरायटी है। सारी तो ले भी नहीं सके, पौधे भी अच्छे हैं, चालू भी हो रहे नए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और बताइए, जो मतलब आप मेरे हिसाब से इतनी दूर चल के आए हो, तो नर्सरियां काफी रह जाती हैं बीच के अंदर, ये नहीं है कि नर्सरियां हैं। बिल्कुल, ये अंकल जी बता रहे थे कि कई नर्सरियों पे लेके भी आते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो क्या एक नर्सरी पे इतनी वैरायटी होना पॉसिबल है? देखो जी, वैरायटी तो बहुत है, मतलब एक एक फल वाले पौधे की कहीं कहीं वैरायटी है, मायने रखती है इतनी वैरायटियां, बहुत बढ़िया वैरायटी है। मैं एक नर्सरी पे इतनी वैरायटियां मिल सकती हैं कहीं पर? नहीं मिलती। एक नर्सरी पे शायद सारी वैरायटियां नहीं मिलेगी आपको, किसी वैरायटी पे दो मिल जाएंगे, किसी पे चार मिल जाएंगे, किसी पे दस मिल जाएंगे। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, कई कई वैरायटी मिली है जो देखने के लिए, तो बहुत बढ़िया लगे हमने तो कुल मिला के। नर्सरी कैसी लगी पूरी? बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल सही अरेंजमेंट हुई है। आपने जो पौधे लिए हैं वो हमने लगे हुए भी दिखाए हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी नर्सरी पे लगा भी रखे हैं। ये नहीं है कि आपने पौधे बेच दिए, अपने पास लगे हुए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हमको आम पे दिखाया था कितना लगा हुआ था, और अभी बड़े उस पे आया हुआ है। हाँ हाँ, आया हुआ है। आपने चंदन भी लिया है? लिया। बाकी मेरे हिसाब से एक लंबी लिस्ट है आपकी। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये लग रहा है कि भी पौधे अपने पास अच्छे हैं, और आप इतनी दूर से चल के आए 150-200 किलोमीटर से। हाँ। तो यहाँ आना आपको ये लग रहा है भी हम गलत आए इतनी दूर? नहीं नहीं नहीं, नहीं। भी एक ये लगा कि हम वहाँ इतनी दूर आए, बेकार काम के अपना तेल जलाया, टाइम खराब किया, और एक ये लगे भी हाँ जेन्युइन में हम जो तेल जला के आए हैं या टाइम इतना स्पेंड करके आए हैं वो सही रहा? वही तो हो गया ना, कम पौधे लेने की बजाय ज्यादा हो गए, बल्कि वो तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना, बढ़िया लगे हमने सारा सिस्टम जी। हाँ, तो जो देखने वाले किसान हैं या और आप जैसे हैं जिनको पौधे लगाने का जो इच्छा रखते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया है, मौका दो एक बार भाई, आगे देखें और पौधे लें। बिल्कुल, झिझकाहट की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई जो भी जैसा भी बताया वैसे ही पौधा मिले हमको, फिक्स रेट में मिला है। रेट भी आपने देखा होगा कोई किस कैसा रेट है? हाँ, एक तो ज्यादा रेट है, एक कम रेट है। नहीं ठीक है, कॉस्ट भी, कॉस्ट बढ़िया है, बढ़िया हाँ, लिमिट में है। साथ में आए बहन के मित्र हैं, ये भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के जो पौधे हैं वो लेके जा रहे हैं। तो आप दोनों आए हो 3-4 घंटे का सफर तय करके, अभी शाम के करीबन 6:30 हो चुके हैं। तो जो हमारे देखने वाले किसान हैं उनको तो यही कहना चाहेंगे भाई, बेझिझक यहाँ पे आके अच्छे वैरायटी के, हाँ जी, बढ़िया फिक्स रेट में। हाँ, रेट एक मेन बात होता है कि आदमी चल के आ जाए 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर यहाँ आके उसको बोले रेट कुछ का कुछ, वो काम अपना नहीं है। नहीं, वो सही है। आप अगर मेरे से फोन पे पूछोगे तो भी वही रेट मिलेगा, यहाँ आके पूछोगे तो भी वो रेट मिलेगा, ये नहीं है कि जेब काटने वाला काम कर रहे हो। नहीं, बढ़िया लगे हमने तो कुल मिला के जी, सही है, फिक्स रेट में और बढ़िया पौधा मिला है।
पौधा जेनुइन मिल जाए, रेट की 2-4 रुपए की कोई बात नहीं होती, लेकिन जो बताएं वो वैरायटी मिल जाए ना, वो सबसे बड़ी बात ये है, वो वही वैरायटी मिलनी चाहिए। तो आप भी इस नर्सरी पे आए हो, आप भी सेम गांव से हो, इसी साथ में। तो आपका नाम क्या है? गुरुदेव। गुरुदेव जी, ये बताओ आपको कैसी लगी हमारी नर्सरी? बढ़िया लगी, मैंने भी बढ़िया लगी, आपसे ही मेरी बात हुई थी। तो यहाँ आके आपको ये लगा कि हमने जेन्युइन में सही वैरायटियां ले ली हैं? हाँ हाँ, जो देखी थी वो सारी मिल गई, उससे भी ज्यादा मिली है, उससे ज्यादा आपको वैरायटी मिल गई। तो आप संतुष्ट हो? संतुष्ट। नर्सरी पे आके मतलब किसी तरह के मन में ये ना रहा कि हम इतनी दूर चल के आए तो हमारा या जाना व्यस्त रहा या बगैर काम का हमने तेल जलाया? ना, जो नहीं लेनी थी वो भी ले ली वैरायटी देख के। हाँ, वैरायटी देख के, पौधे की कंडीशन देख के आपने वो भी पसंद आई और भी चीजें पौधे ले ली। तो हम सभी जो देखने वाले किसान उनको ये कहना चाहेंगे कि यहाँ के आपको किसी तरह के का किंतु परंतु नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो जेन्युइन मिलेगा, और जो वैरायटी नहीं है वो हम मना भी कर देंगे। बाय चांस हमने लिस्ट में मेंशन कर रखी हो, हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया, तो ये नहीं कि हम आम के आपने मांगी कौन सी वैरायटी हमारे पास है नहीं, दूसरा उठा के आपको ये वैरायटी बोल के दे दिया, ऐसा नहीं है। नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल ठीक, बढ़िया है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये किसी को बोल के नहीं मिला था ना कर दिया, ना कर दिया, जो अपने पास नहीं है वो नहीं है, जो है वो अपने पास है, बिल्कुल। सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी राय जो है वो जरूर दें। धन्यवाद।